नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में, आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। आपको सीधा लिए चलते विधानसभा, जहां पर कार्रवाई लगातार जारी है। उनकी पूरी जांच होने के बाद में ही जो जाकर के ये लिया जाता है। मेरी बात सुनिए, सुनिए पूरी बात खत्म हो गई। पुलिस ने उसका उसके उसका चरित्र और उसके निवास के पुलिस थाने से सत्यापित किया जाता है। नंबर दो, जिला पुलिस आवेदक के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिष्ठ अधिकारी के द्वारा सत्यापित भी किया जाता है। उसके बाद भी यदि इस प्रकार का कोई केस पाया गया और आपके द्वारा कोई शिकायत की गई तो निश्चित तौर पर उस पर जो है जांच करके कार्रवाई कर ली जाएगी। मोटे तौर पर ये सिर्फ 2 साल के लिए नियुक्त होते हैं और 40 साल की उम्र से लेकर के 55 साल तक का उम्र तक का ही आदमी इसमें शामिल हो सकता है। सारी जांच करने के बाद में इसकी नियुक्ति होती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि साहब क्रिमिनल केस है किसी के खिलाफ, रामलाल के खिलाफ है या श्यामलाल के खिलाफ है, तो आप शिकायत कर सकते हैं, उसको हटा दिया जाएगा। हटाने का प्रोविजन है, वो एमएलए नहीं है। आप एमएलए थोड़ी बोला उन्होंने। मैं माननीय मंत्री महोदय को नाम तक बता सकता हूँ। मान सदस्य कह दिया आप दे दे नाम कट जाएगा, आपको अधिक कह दिया था। आप बात अगला प्रश्न श्री संदीप शर्मा, अगला प्रश्न श्री छगन सिंह, प्रश्न संख्या 440। मानी धन्यवाद साहब, 4440 कौन सा आ गया? छगन सिंह 440। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड एक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के खंड दो एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 3 के उपधारा 1 के अंतर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित किए जाने के संदर्भ में अधिसूचना दिनांक 19/2/21 के द्वारा मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट अपर संलग्न है। खंड दो, जी हाँ, आहोर नगर पालिका बनाए जाने के सभी मापदंड पूरा करती है। वर्तमान में आहोर नगर ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नंबर तीन, विधानसभा क्षेत्र आहोर में केवल आहोर नगर पालिका बनाए जाने के मापदंड पूर्ण करता है, बागरा और सियाणा मापदंड पूर्ण नहीं करने के कारण नगर पालिका बनने के लिए योग्य नहीं है। खंड चार, जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र आहोर में एक भी नगर पालिका नहीं है। वर्तमान में उक्त विधानसभा से कोई भी नगर पालिका बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री धर्मेंद्र कुमार 74 एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में धान की खरीद हेतु सरकारी खरीद नहीं किए जाने से किसानों को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल 52 एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से कोटा संभाग में आई बाढ़ व अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री जोराराम कुमावत 64 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर में बरसात की कमी से किसानों की खरीफ की फसल नष्ट हो जाने से पश्चिम राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति के संबंध में। श्री छगन सिंह 55 एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में युवा बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिए जाने एवं बेरोजगारी पत्ता नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अविनाश 51 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जेतारण में संचालित 4 बड़े सीमेंट उद्योगों में स्थानीय युवकों को रोजगार नहीं दिए जाने से बेरोजगारों में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अभिनेश महर्षि 3 एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार नौकरियां नहीं दिए जाने तथा बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए जाने से युवा बेरोजगारों की दयनीय स्थिति के संबंध में। श्री चंद्रमान सिंह आक्या 53 एवं 7 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में बेरोजगारों को किसी प्रकार का रोजगार अथवा सहायता प्रदान नहीं किए जाने से युवा बेरोजगारों की बढ़ती समस्या के निराकरण किए जाने के संबंध में।
श्री अमृतलाल मीणा एड सदस्य की ओर से प्रदेश में बेरोजगारों को किसी भी प्रकार का रोजगार अथवा सहायता प्रदान नहीं किए जाने से युवा बेरोजगारों द्वारा आत्महत्या करने के प्रकरणों में बढ़ोतरी होने की संभावना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री गिरधारी लाल त्रिनयन सदस्य की ओर से प्रदेश में शहीदों के नामकरण वाले सरकारी विद्यालयों में शहीदों की प्रतिमा स्थापित किए जाने के संबंध में। श्री नारायण सिंह देवल 79 सदस्य की ओर से कोरोना महामारी के पश्चात प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री नारायण बेनीवाल 192 सदस्य की ओर से प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधा का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री प्रताप सिंह 92 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र छबड़ा में हुई घटना के नामजद आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने एवं मुआवजा से वंचित पीड़ितों को मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में। श्री सतीश पुनिया 178 सदस्य की ओर से प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जाने तथा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री वासुदेव देवनानी 159 एवं 4 अन्य सदस्य की ओर से प्रदेश के युवा बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिए जाने एवं बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री रामलाल शर्मा 148 सदस्य की ओर से प्रदेश में सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षाएं निर्धारित समयावधि में आयोजित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अशोक लावटी 16 सदस्य की ओर से प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार नौकरियां नहीं दिए जाने तथा बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी 27 सदस्य की ओर से प्रदेश में बेरोजगारों को किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध नहीं करवाए जाने एवं बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिए जाने से बेरोजगारों को हो रही समस्या के संबंध में। श्री बलजीत यादव 97 सदस्य की ओर से RPSC एवं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जा रही भर्तियों में अधिकारियों की लापरवाही से बेरोजगार युवकों के साथ हो रहे अन्याय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री प्रताप सिंह, श्री सतीश पूनिया, श्री वासुदेव देवनानी, श्री रामलाल शर्मा, श्री अशोक लावटी, श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी एवं श्री बलजीत यादव को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। श्री प्रताप सिंह सुनते दो मिनट कम हो जाएंगे, दो मिनट और एक मिनट में खत्म कर लो आप। चलो माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 अप्रैल की घटना है। एक सेकंड, 295 के बाद भाई, एक सेकंड आप। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचना है। श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल 52 सदस्य की ओर से 8 लेन एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री परिवहन करने वाले ओवरलोड ट्रकों के गुजरने से हुई क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण करवाए जाने के संबंध में। श्री बलवान पुनिया 98 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भादरा में अंतर राज्यीय जल समझौते के अनुसार जीरो हेड पर भादरा नोर और राजगढ़ के हिस्से का पूरा पानी नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री बलवीर सिंह लूथरा 99 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र राय सिंह नगर के नहरी किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलने से बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा दिलवाने तथा सिंचाई के पानी का रेगुलेशन जारी किए जाने के संबंध में। श्रीमती संतोष 173 सदस्य की ओर से अनूपगढ़ शाखा में सिंचाई के पानी का रेगुलेशन नहीं किए जाने से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में। श्री जोराराम 64 सदस्य की ओर से मारवाड़ की जीवन रेखा जवई बांध के पुनर्भरण हेतु पानी लाने की बड़ी योजना बनाकर पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किए जाने के संबंध में। श्री छगन सिंह 55 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र हावर के कबराड़ा गांव के समीप क्षतिग्रस्त पुलिया का बजट स्वीकृत होने के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अविनाश 11 सदस्य की ओर से शिक्षक संघों द्वारा की जा रही मांगों पर सरकार सकारात्मक विचार कर प्रदेश के शिक्षकों की वर्षों से लंबे समस्या का समाधान किए जाने के संबंध में। श्री मदन दिलावर 114 सदस्य की ओर से रामगंज मंडी के सुकेत कस्बा के खसरा नंबर 38 की 0.61 हेक्टर शमशान भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्रीमती सूर्यकांता व्यास 191 सदस्य की ओर से मेडिकल कॉलेज जोधपुर में संलग्न चिकित्सालय बथुरा दास माथुर चिकित्सालय जोधपुर में MIE ठेका फर्म सत्यम डायग्नोस्टिक्स द्वारा गंभीर भ्रष्टाचार किए जाने के संबंध में। श्री रामनारायण मीणा 142 सदस्य की ओर से रोज नामक जंगली पशु से पशुओं की सुरक्षा किए जाने हेतु इनको भारत सरकार में वर्मिन पीड़क जंतु घोषित करवाने के संबंध में। श्री प्रताप लाल बील गमेती 91 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज
3 में स्वीकृत विभिन्न सड़कों का कार्य प्रारंभ किए जाने के संबंध में श्री धर्मेंद्र कुमार 74 सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पीलीबागा में सेम नाले की सिल्ट सफाई एवं पंप हाउस के नियमित संचालन के लिए बजट आवंटित किए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री प्रताप सिंह। माननीय अध्यक्ष, 10 अप्रैल को करीब शाम को 5 बजे कमल सिंह पुत्र हजारीलाल गुजर निवासी नजीबपुरा छबड़ा तहसील एक ठेले पे से अंगूर खरीद रहा था। पास में ही मोटरसाइकिल उसकी खड़ी थी। मोटरसाइकिल को लेकर असलम तोता और उसके साथियों ने उससे झगड़ा शुरू कर दिया कि यहाँ पर मोटरसाइकिल क्यों खड़ी कर रखी है, और उसको बुरी तरह पीटा। करीब उसके 24 टांके आए। उसके बाद उसको बचाने के लिए वहीं खड़ा राकेश नागर जो ग्राम कोटड़ी का रहने वाला है वो उसको बचाने आया, तो उसके ऊपर भी सर पर मुंह पर करीब 18 टांके आए। 6 टांके उसके मुंह पर आए, 7 टांके पीठ पर आए और 6 टांके सर पर आए। इसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया। दूसरे दिन गुर्जर समाज के लोग और अन्य समाजों के लोग इस घटना को लेकर ज्ञापन एसडीओ को देने जा रहे थे। इस बीच में पुलिस ने इन ज्ञापन देने वालों को तो रोका, और उधर अलीगंज में जो अन्य समुदाय के लोग इकट्ठे हो रहे थे, मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे हो रहे थे, उनको नहीं रोका और उन्होंने वहां पर आगजनी शुरू कर दी। पेट्रोल बम चलाए, डंडा से चलाए। घटना के संबंध में आप टू दी पॉइंट जो आपका गिरफ्तारी और इस घटना का वर्णन करोगे कोई अंत नहीं, बी स्पेसिफिक आपने जो मांग रखी है उसी पर। तो इसमें जो नामजद मुलजिम है CI ने इसकी रिपोर्ट भी किसी सिविलियन ने नहीं की है, जो वहाँ का थाना अधिकारी है उसने ही रिपोर्ट दर्ज करी है, और उसने ही नामजद रिपोर्ट में ही नामजद मुलजिमों को किया है। यही नहीं, यहाँ से उच्च अधिकारी भी पहुँचे और उन्होंने उन सब के घर पर नोटिस भी चस्पा करवाए। नहीं, उनको ढूंढने पर नहीं मिलने के बाद नोटिस चस्पा कराने के बावजूद भी उनको उन मुकदमों में से निकाल दिया है। आज वो खुले छबड़ा में घूम रहे हैं, दहशत का माहौल है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उनको तुरंत गिरफ्तार करवाएं। साथ ही जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है उन लोगों को भी मुआवजा दिलवाएं। ये बहुत बड़ी घटना है। और इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और बताना चाहूँगा कि गुर्जर समाज के लड़के के साथ मारपीट हुई थी, तो उस ज्ञापन देने जाने वाले में गुर्जर समाज के लोग भी थोड़ा ज़्यादा थे। पुलिस ने यही नहीं उनको तो रोका, दूसरी तरफ छूट दे दी और तुरंत कर्फ्यू लगा दिया। प्लीज हो गया, एक मिनट साहब। कर्फ्यू लगाने के बाद गुर्जरों के गांवों में जाकर गुर्जरों को बेरहमी से पीटा। ना औरत देखी, ना आदमी देखा, ना बुड्ढा देखा, ना जवान देखा। उन गुर्जरों के साथ इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। नहीं होगा। अब आपने जिस पॉइंट पे आगे सेंटर करो, गिरफ्तार होने चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए, बाकी घटना की चर्चा करने में कोई मतलब नहीं। सतीश पुनिया माने बैठे, आपसे ज्यादा गंभीर नहीं है, आपसे ज्यादा गंभीर नहीं है बैठे आप। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, आप बैठे, अंकित नहीं होगा। मैं बोल रहा, आई विल डिप्राइव यू टू स्पीक। मैं आपको आप इस तरह से लेंगे मैं अलाउ नहीं करूंगा। यू कांट इम्पोज यूर सेल्फ इन द हाउस। सीनियर आदमी है आप, खुद ही क्या बना देते। आपने लिख के दिया इसमें, प्लीज बैठे आप, बैठे अलाउ नहीं है। श्री सतीश पुनिया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा स्थगन राजस्थान में रोजगार की स्थिति को लेके है। कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार बुनियादी सुविधाओं की और वैचारिक मुद्दों के समाधान का आश्वासन देती है। इस सरकार को 35 महीने हो गए, और जब इस सरकार ने
कांग्रेस पार्टी ने 2018 में एक जन घोषणा पत्र जारी किया था। उस जन घोषणा पत्र में राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों को ये भरोसा दिलाया था कि यदि हम सत्ता में आएंगे रोजगार भी देंगे और रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। नौजवानों को 3,000 रुपये और महिलाओं को 3,500 रुपये। भारत की एक निजी संस्था है जिसका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री ने ट्विटर के जरिए किया। देश की बेरोजगारी का उल्लेख तो जरूर उन्होंने किया लेकिन शायद वो पढ़ना भूल गए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMI संस्था ने उद्धृत किया है कि इस समय देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किसी प्रदेश में है, 27.6, तो प्रदेश राजस्थान है। पिछले दिनों प्रदेश के नौजवानों ने ट्विटर पर एक हैशटैग चलाया, नो जॉब नो वोट। राजस्थान के ट्विटर को जुड़ने वाले 6 लाख नौजवानों ने इस सरकार को साफ साफ चेताया था। मुख्यमंत्री जी ने 24 फरवरी 2021 को बजट भाषण दिया, उसमें भी इसका उल्लेख किया। राज्यपाल महोदय के जब अभिभाषण हुआ और उस अभिभाषण के दौरान भी 24 जनवरी 2020 को उनके बिंदु संख्या 86 में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उनके मुख से ही कहलाया कि राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 31,513 पदों पर नौजवानों को नियुक्तियां दी हैं, 28,601 पदों के परिणाम जारी हो चुके हैं, कुल मिलाकर 60,114 पदों की नियुक्ति दी गई है। जबकि ये सारी भर्तियां पिछली भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय निकाली गई थी और उसी समय इन नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई थी। महामहिम राज्यपाल महोदय ने 10 फरवरी 2021 को हुए अभिभाषण के बिंदु संख्या 93 पे कहा कि विगत 2 वर्षों में 81,893 नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, तो कुल मिलाकर इन 2 वर्षों में 21,779 पदों पर ही नियुक्ति दी गई है, बाकी जो सारी पोस्टिंग दी गई वो BJP के शासनकाल में दी गई। मेरा निवेदन ये है माननीय अध्यक्ष महोदय कि एक तो राजस्थान की सरकार ये व्हाइट पेपर लेकर आए कि इन्होंने कितनी भर्तियों का वायदा किया था, कितनी भर्ती दी, कितनी कोर्ट में लंबित हैं। दूसरा, अभी तक बेरोजगारों के बारे में राजस्थान की सरकार कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं दे पाई। जब जब भी प्रश्न पूछा गया तो उसमें अलग अलग आंकड़े दिए गए, लेकिन एक सवाल के जवाब में बेरोजगारी भत्ते का जब सवाल पूछा गया तो उसमें 4,56,000 ऐसे रजिस्टर्ड बेरोजगार भत्ते के लिए योग्य पाए गए बताया गया, लेकिन भत्ता दिया गया सिर्फ 2 लाख लोगों को। इसका जवाब सरकार के पास नहीं है कि बाकी जो 2,56,000 लोग हैं उनको भत्ता कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उनको वंचित क्यों किया गया। ये 3 बजट में कुल मिलाकर 1,78,181 भर्तियों की बात की गई और इसका पूरा संकलन करें तो 40,000 भर्तियां ही अभी तक प्रारंभ हो पाई हैं। आपने खुद ने उस जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो 2.5 लाख संविदा कर्मियों को कैडर बनाएंगे और उसके बाद उनको नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन आज तक उसमें अभी तक उन संविदा कर्मियों को कोई ठोस जवाब मिला नहीं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपने जो रजिस्टर्ड बेरोजगार बताए उसमें 15,03,834 ये बेरोजगारी संख्या राजस्थान की सरकार ने बताई है, आवेदन किया 8,50,000 ने और अभी तक 2,51,000 को आपने बता दिया है। आपने कोरोना के कालखंड में बड़े बड़े सब्जबाद दिखाए और ये कहा कि राजस्थान की सरकार प्रबंधन भी अच्छा कर रही है, जो प्रवासी मजदूर लौटेंगे उन 15 लाख प्रवासी मजदूरों को हम रोजगार देंगे। एक पोर्टल बनाया आपने, उस पोर्टल पर 45 लाख लोगों ने रजिस्टर करवाया और उस पोर्टल की स्थिति है कि रोजगार किसी को मिला सिर्फ 5,000 लोगों को। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अलग अलग इस सदन में मुख्यमंत्री जी के भाषण और उस पर नेता प्रतिपक्ष के भी भाषण हुए, कुल मिलाकर उसका लबोलुआ भी है कि आपने कहा बहुत कुछ लेकिन दिया कुछ नहीं। और इसलिए राजस्थान के जितने तमाम भर्तियाँ हैं और राजस्थान, मुझे लगता है कि इस समय जो स्थिति बनी है, पर्चे लीक यदि देश में कहीं सर्वाधिक होते हैं तो वो राजस्थान की धरती है। इस तरीके का खिलवाड़ राजस्थान के बेरोजगारों के साथ आज तक नहीं हुआ। किस तरीके से ये जितना काम हुआ है ये राजस्थान की सरकार के इकबाल खत्म होने का है। जिस तरीके से नकल माफिया पनपे, जिस तरीके से पूरा संगठित गिरोह काम करता है नकल करवाने का, मुझे लगता है कि इस बात के लिए भी राजस्थान की सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए। ये केवल
एक राजनीतिक आरोप नहीं है, सत्यता है। राजस्थान के बेरोजगारों के साथ इससे बड़ा कुठाराघात नहीं हो सकता। मैंने सभापति महोदय में निवेदन करूंगा, राजस्थान की सड़कें पिछले 35 महीनों से, चाहे किसी भी वर्ग का कोई हो, कृषि से संबंधित भर्तियां, सहायक कर्मचारियों की भर्तियां, पुलिस की भर्ती, पशुपालन की भर्ती, मंत्रालयिक वर्ग की भर्तियां, शिक्षकों की भर्ती, ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आएंगे कि जिसमें किसी गरीब परिवार ने 5 लाख का कर्जा लिया और खेत बिक गया। ये राजस्थान के नागौर के मेड़ता सिटी के हरिराम है, जिनकी पीड़ा है। रिजल्ट के इंतजार में पति की मौत हो गई, पत्नी रिजल्ट का इंतजार करती रही और हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बेरोजगार अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान की सरकार में गैरत और ईमान हो, क्योंकि पिछले 2.5 वर्षों का आकलन राजस्थान की जनता भी कर रही है, विपक्ष भी कर रहा है और राजस्थान का बेरोजगार कर रहा है। जिस तरीके से आपने किसानों की कर्जा माफी का झूठ बोला, जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई, और कोई एक शब्द में कहेगा कि राजस्थान की सरकार कौन से एक मुद्दे पर विफल है, तो राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों के साथ जो ठगी राजस्थान की सरकार ने की है, वो ट्विटर का हैशटैग तो एक आईना है, लेकिन 2023 में इसी कांग्रेस पार्टी को राजस्थान का नौजवान, बेरोजगार नौजवान सत्ता से भी बेरोजगार कर देगा और दोबारा वापसी कभी कांग्रेस पार्टी के विचार की राजस्थान में नहीं होगी। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैंने छबड़ा के मामले को लेकर, छबड़ा में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ उसके मामले को लेकर यहाँ स्थगन प्रस्ताव दिया था और मुझे आशा थी कि गंभीर मामला है, सरकार इस मामले में कोई ना कोई जवाब निश्चित रूप से इस सदन में हम सबको देगी, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरी आपसे गुजारिश है कि छबड़ा में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ और जिनमें बेकसूरों को तो जेल में बंद किया जा रहा है और जो कसूरवार हैं उनको खुला छोड़ा जा रहा है, मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए छबड़ा में फिर इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटे, इस मामले को देखते हुए आप सरकार से अभी तुरंत ही जवाब दिलवाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं आपसे चाहूँगा कि सरकार को डायरेक्शन दें कि वो इस बात का जवाब दे। माननीय श्री वासुदेव देवनानी जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय आप जवाब नहीं दिलवाना चाहते हो इस सरकार से, तो मैं इस सरकार का अगर जवाब नहीं दिलवाना चाहते हो और सरकार जवाब नहीं देना चाहती है तो मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस समय राजस्थान में बेरोजगारी अपना विकराल स्वरूप बनाए हुए है। राज्य में कांग्रेस ने युवाओं के साथ धोखा किया है, चुनाव में युवाओं का भरपूर उपयोग किया, रोजगार के स्वप्न दिखाए लेकिन परिणाम वह ढाक के 3 पात रहे। युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। युवाओं के लिए चुनाव में 5 लाख नौकरियों का वायदा किया लेकिन 3 बजट, जिसमें भी तीसरे बजट में 2 साल की जो घोषणा की, इस तरह मिला करके कुल 1,78,000 की घोषणा की लेकिन अब तक केवल नियुक्तियां 2.5 साल या 35 महीने में जाकर के 42,000 को दे पाए हैं। और इसका आंकड़ा बेरोजगारी का मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन CMI के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। राजस्थान देश के दूसरे नंबर पर बेरोजगार के लिए है जबकि केंद्र से 3 गुना आज बेरोजगार राजस्थान में है। केंद्र में जनवरी में 5.81% थी, राजस्थान में 17.7 थी, अप्रैल में ये बढ़कर के राजस्थान केंद्र में 7.13 है, तो राजस्थान के अंदर 28% आज ये है जबकि UP राजस्थान से 3 गुना है, उसमें केवल बेरोजगारी 6.9% है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सरकार केवल केंद्र मोदी और राष्ट्रभक्त संगठन संघ को कोसने में लगे हैं, मुख्यमंत्री को किसी प्रकार की नहीं है। सरकार ने वादा किया था कि हम यदि रोजगार न दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, घोषणा पत्र के पेज नंबर 15 बिंदु नंबर 10 में भत्ता देने का वादा 3,03,000 और 3,35,000 किया लेकिन विभागीय पोर्टल पर 14,29,886 लोग रजिस्टर्ड हैं जिसमें 12 लाख स्नातक हैं और भत्ता केवल पहले वह 1.6 लाख को देते थे, अब 2 लाख को आपने देने की घोषणा की। इस तरह से सबका नंबर आने में 12 वर्ष बीतेंगे और लगभग 2 सरकारें बदल जाएंगी, इसे 30